नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं सीला मिरिदा होमी मील्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी हेल्दी दिल्ली के करोल बाग की फेमस मुंगलेट रेसिपी। मुंगलेट बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। तो मुंगलेट बनाने के लिए हमने 1 कप पीली वाली मूँग की दाल ली है। इसे 3 से 4 घंटे के लिए धोकर भिगो देंगे। 1 घंटे में भी दाल भीग जाती है, पर अच्छे रिजल्ट के लिए 3 से 4 घंटे ज़रूर भिगोएं। दाल को धोकर भिगो दिया था हमने और दाल फूल गई है, आप देख सकते हैं। अब दाल को मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। दाल में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर दाल को पीसेंगे। पेस्ट गाढ़ा और फाइन होना चाहिए, आप देख सकते हैं। दाल अच्छे से पीस चुकी है और एकदम परफेक्ट बैटर है। पीसी हुई दाल को एक बाउल में निकाल लेंगे। दाल को पीसने में 3 से 4 चम्मच पानी लगा है और इसमें 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। 2 चम्मच चावल का आटा डालेंगे। चावल का आटा डालने से मुंगलेट क्रिस्पी बनेगा और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। हम बैटर को जितना फेंटेंगे उतना ही मुंगलेट फ्लफी बनेगा। बैटर को 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो 10 मिनट हो गया है, इसे एक बार और फेंट लेंगे। अब हम एक बाउल ले लेंगे, इसमें 2 बड़ा चम्मच भर के बैटर डाल देंगे। आपको कितना बड़ा बनाना है उस हिसाब से बैटर लें। 1/2 चम्मच जीरा, 4 से 5 काली मिर्च कुटी हुई, 1 पिंच हींग, हींग डालना ऑप्शनल है, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, तीखा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, 2 चम्मच गाजर बारीक कटी हुई, यहाँ पर स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं, 2 चम्मच शिमला मिर्च, 2 चम्मच प्याज बारीक कटी हुई, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक चॉप किया हुआ डाल देंगे। आप चाहे तो दाल के साथ अदरक पीस लें और थोड़ा सा फ्रेश धनिया डाल देंगे और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून इनो डाल देंगे। इनो को एक्टिवेट करने के लिए 2 चम्मच पानी डालेंगे। पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लें, इस तरह से फेंट लें। मुंगलेट बनाने के लिए बैटर एकदम परफेक्ट है। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस ऑन कर लिया है, फैन गर्म हो गया है। 1 चम्मच घी डाल देंगे, 1 चम्मच बटर डाल देंगे, आप कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। अब बैटर को पैन में डाल देंगे और गैस का फ्लेम लो मीडियम रखेंगे और अच्छे से फैला देंगे। इस तरह से अच्छे से फैला दें तो इसमें लाल मिर्च पाउडर और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऊपर से डाल देंगे और कवर करके 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखेंगे ताकि अंदर अच्छे से सिक जाए। तो अब 2 से 3 मिनट हो गया है और चेक कर लेते हैं। हमारा मुंगलेट नीचे से लगभग सिक चुका है, तो स्पैचुला से मुंगलेट को पलट लेंगे। तो इस तरह से सावधानी से पलट लें और बहुत प्यारा कलर आया है और अच्छे से सिक गया है नीचे से। तो इस तरह से नाइफ से मुंगलेट को कट कर लेंगे और 1 चम्मच बटर मुंगलेट के ऊपर डाल देंगे ताकि दूसरी साइड भी बटर अब्सॉर्ब होकर अच्छे से सिक जाए। तो कवर करके 2 से 3 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे सेक लेंगे मुंगलेट। तो 2 से 3 मिनट हो गया है और मुंगलेट अच्छे से पक गया है, आप देख सकते हैं। तो अब मुंगलेट को उलट पलट कर क्रिस्पी कर लेंगे। इस तरह से मुंगलेट को क्रिस्पी कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब धनिया के पत्ते से और गाजर की स्लाइड से और 1 चम्मच बटर से गार्निश कर लेंगे और हमारा मुंगलेट बनकर बहुत ही टेस्टी हेल्दी बनकर तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अगर आप एक बार खाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। तो अगर मेरी रेसिपी ये पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी। नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।